अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सुबोध कुमार जायसवाल, बी अमित कुमार जायसवाल, सी राधारमन सिन्हा या डी अमीश कुमार सिंह। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बोले नवगछिया एसपी, जनता की समस्या का हल जनता के सहयोग से करेंगे। नौगछिया के मारवाड़ी विवाह भवन में रविवार को पुलिस पब्लिक के बीच जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौगछिया के नए एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर भरत भूषण, नौगछिया टाउन थानाध्यक्ष शैलेश कुमार और निरीक्षक राजकुमार सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नौगछिया नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, वाणिज्य परिषद के सचिव पवन कुमार सराफ, अजय रुंगटा, राम कुमार साहू सहित अन्य व्यवसायियों द्वारा कार्यक्रम में आए सभी पुलिस पदाधिकारी का अभिनंदन व स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्रमशः शहर की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं शहर में नो एंट्री के कारण शहर में ई रिक्शा के प्रवेश नहीं होने से होने वाली परेशानी से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा को शहर में वन वे के माध्यम से प्रवेश दिया जाए ताकि लोगों को शहर में आवागमन में सुविधा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने भारी वाहनों के प्रवेश के लिए बनाए गए नो एंट्री की व्यवस्था में ठंड के दिनों में दिन के 11 बजे एवं संध्या 7 बजे तक प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग की। राम कुमार साहू ने जमीन विवाद के मामलों को उठाया और उसे गंभीर से समाधान करने की अपील की। मौके पर लोगों ने कहा कि शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लोग जैसे ही एक भी दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं तो चोरी हो जाती है। इसके अलावा शहर में नोनिया पट्टी, प्रोफेसर कॉलोनी, उजानी सहित अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री होने एवं असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने की शिकायत की। लोगों ने यह भी बताया कि शहर में कई स्थानों पर जुआ भी होता है। वहीं नौगछिया एसपी ने कहा कि जनता की समस्या का हल जनता के सहयोग से ही हो सकेगा, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। पब्लिक को कोई परेशानी ना हो यह ध्यान में रखकर ही समस्या का समाधान होगा। खुशी हो, सारी व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन करने में हसदगी टाइम लगेगा। एक ही बार जब चाहेंगे हम सब एक हाथ लगा दें सारी बातों में तो फिर वो एक ही नहीं हो पाए। हम लोग एग्जाम देते थे स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई करते थे तो टीचर बताते थे पहले हल्का क्वेश्चन उसको टच करना, उसको खूब अच्छे से लिखना, अच्छे हैंडराइटिंग में उसका स्पेलिंग पे ध्यान देना, उसके ग्रामर पे ध्यान देना, और जो भारी भरकम क्वेश्चन जो तुम नहीं लिख अंतिम टच कर, क्योंकि ये जो टीचर चेक करते हैं तो शुरू में अच्छा से देते हैं, शुरू में कुछ चेक कर रहे अच्छा लिखा हुआ अच्छा राइटिंग खूब मार्क्स 10 में 10 दे देंगे, फिर वो लास्ट में थक जाते हैं, बोलते नहीं तो अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, नहीं अच्छा लिखा है, तो लास्ट जो क्वेश्चन जो आंसर तुमने अच्छा नहीं लिखा होगा तो भी अच्छा मार्क देते हो, तो वो भी आम जिंदगी में वो भी काम आता है। तो जो हल्का समस्या होगा हम उसमें धीरे धीरे हाथ लगाएंगे और जो बड़ी समस्या है वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ भी अपनी ओर से या जो भी एजेंसी है इसके लिए नगर निकाय है या प्रतिनिधि हैं या हमारे उसके पदाधिकारी हैं, हम फिर उसे बैठक करेंगे और वो हल निकालेंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी यहाँ काम करना। अब तक पहले तो पदाधिकारी आता था, अब घर का लड़का आया हुआ है, बेरोजगार भी बहुत हो रही है। अब तो हमारे सुई के बराबर भी गलती हमारी हमें खुद बर्दाश्त नहीं होगा, हमें बहुत फूक फूक चलना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं वो आते और जाते हैं, ये हम तो उसके बाद ही आते जाते रहे। इसलिए मैं अपनी ओर से हर सब कोशिश करूंगा ये आपके चेहरे पर सुकून हो। हम स्मार्ट सिटी बोलने से नहीं होता है, स्मार्ट सोच से होता है, और खुशी अब युवा अध्यक्ष हैं और आपके पार्षद
देखा तो नहीं है, सभी साहब सभी युवा ही है, सभी युवा ही है, स्मार्ट सब दिख रहे हैं, तो क्यों नहीं स्मार्ट सोच निकले? और हर चीज हम क्यों सरकारी व्यवस्था से उम्मीद करें? हम खुद भी क्यों नहीं कर सकते? हमें लगता है कि कहीं मंथन ये आगे में बोला कल ये संभव नहीं है, तो पार्किंग प्लेस भी हम लोग अभी उपलब्ध करा सके हैं आम आदमी को कि ठीक है आप बाजार आते हैं भाई, ये हम आपको पार्किंग प्लेस दे रहे हैं, आप यहाँ गाड़ी पार्क। मैं ये भी मानता हूँ नगछा बहुत सकरा जगह है, आपको परेशानी अवश्य होगी, लेकिन मंथन हम कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं। प्रस्ताव फिर यदि अधिक है खर्च तो फिर सरकार को भेजेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग हर जगह हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं भले आज से 5 साल के बाद ही सही, जो हमारी जो पीढ़ी आने वाली है उनसे अच्छा है सौगात देके जाए। और हर इंसान को चाहिए भी, पितृधर्म यही होता है, अपने पुत्र कुछ अच्छी चीज दे के जाए, तो पार्किंग के लिए भी सोचना पड़ेगा। अभी हम क्या विकल्प सोचें कि जो परिवार वाला आएगा वो गाड़ी कहाँ लगाएगा? जैसे वो गाड़ी दुकान से पार्क करेगा, दोनों साइड दुकान है, जैसे गाड़ी पार्क करेगा तो जो गाड़ियाँ फिर जाएगी रोड पर वर्को की उसको परेशानी हो जाएगी, फिर फोन हम लोगों के पास आएगा, विचार करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं नो इंटीरियर टाइम बताया गया है सर के द्वारा कि जाड़े में 11 से शाम के 7 बजे तक और गर्मी में 10 से रात के 8 बजे तक, ये भी मैं आप ही छोड़ूंगा। यदि आपको लगता है कि नहीं इस टाइम में आम आदमी परेशानी नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं आएगी, फिर मैं विचार विमर्श कर लूँगा अपने SDO साहब से, हमारे थाना प्रभारी हैं, हमारे CO में एक अलग से बैठक करूँगा, आपकी बातें जो सामने नोट कर लिया, फिर हमारे पदाधिकारीगण में से बात करूँगा कि कहाँ हद तक कितनी लिबर्टी दी जा सकती है, ये मैं विचार अवश्य करूँगा। लेकिन मैं इसमें अवश्य बोलूँगा कि वो टाइम स्कूल के बच्चों का टाइम होता है, अभी कोरोना का टाइम अवश्य है, बच्चे नहीं जा रहे, लेकिन अब स्कूल जाना शुरू कर दिया, हमको मेरे ध्यान में वो भी बात रखनी पड़ेगी, स्कूल बच्चे जाए उन्हें कोई कष्ट ना हो। नोएडा के मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि दिन में गाड़ियाँ आ जाती है तो फिर आम आदमी को या जो छोटी मोटी गाड़ी बोलने चलने परेशानी होती, फिर आपको ही दिक्कत होगा, तो प्राय उसको रात में आप माल का लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, और मेरे ख्याल से 8-9 बजे के बाद सुबह के 9 तक या 10 तक काफ़ी समय होता है, तो क्योंकि परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन तो भी हम विचार अवश्य करें। मैं अभी डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ आपके मतलब सुझाव दिया, डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ और ना उस समय भी एग्री कर पा रहा हूँ। मैं एक बार फिर बात करूँगा पदाधिकारियों से, अगर संभव होगा तो अवश्य। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य मांग था ट्रैफिक जाम के बारे में जी, या लोगों ने कहा कि टोटो को बंद भी कर दिया, तो उसी बिना जाम का कारण क्या है, जाम लगती क्यों, क्या उसके लिए केवल टोटो ऑटो वो जिम्मेदार है या और कोई जिम्मेदार है? अभी पूरा बाजार हम पैदल घूमे हैं, हमारे साथ में SDPO सर्किल इंस्पेक्टर थाना प्रभारी है, तो देखा कि तो जाम का जो मुख्य कारण है जी, दुकानदारों के द्वारा अपना दुकान सामान रोड पर रख दिया गया है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट मैसेज देता हूँ, जो भी दुकानदार अपना सामान रोड पर डिस्प्ले किए रखे हैं पहले खुद हटा लें, मैं विश्वास करता हूँ स्व अनुशासन में वो खुद हटा लें, नहीं हटाएंगे तो प्रशासन की ओर से सारा सामान को जब्त कर लिया जाएगा, जमानत जब्त नहीं करेंगे भारी जुर्माना भी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक जाम किसी परिस्थिति में नहीं हो। जो जाम करने का मुख्य कारण है वो हमने 7 दिन का समय दिया है, वो हटा लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सर। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है, होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया वाहन परेड में वाहनों की हुई जांच, नवगछिया पुलिस लाइन में रविवार को वाहन परेड में SP सुशांत सिंह जरोज ने पुलिस वाहनों का निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने वाहनों का रखरखाव को देखा, SP ने वाहन चालकों से
वाहनों के संदर्भ में तकनीकी पूछताछ भी की है। नवगछिया, युवा गंगा को स्वच्छ रखने का लें संकल्प। जीवी कॉलेज में टीम का एनसीसी के कैडेटों ने किया स्वागत। गंगा के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण, जैव विविधता और तटीय आबादी को मैपिंग करने के लिए सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का दल रविवार को जीवी कॉलेज नवगछिया पहुंचा। कॉलेज में एनसीसी के कैडेटों ने एनसीसी पदाधिकारी फिरोज अहमद की अगुवाई में टीम का भव्य स्वागत किया। कैडेटों ने उन्हें सलामी दी। इस मौके पर कॉलेज प्रसाद में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। टीम में शामिल इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि टीम की अगुवाई फाउंडिंग मेंबर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिटायर्ड अधिकारी गोपाल शर्मा कर रहे हैं। टीम में कर्नल मनोज, कर्नल हेमलोमी, कर्नल आरपी पांडे गुजरात, ले किसान हिरेन भाई यूपी के किसान, रोहित जाट छात्र साइन, दिल्ली की इंदु सहित कई लोग शामिल हैं। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया, अक्षय तृतीया को मनाया जाएगा परशुराम जयंती। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ नवगछिया इकाई की बैठक रविवार को जिला अध्यक्ष पंडित ललित झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ब्राह्मण सदस्यों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने एवं वेद शास्त्र आदि का नियंत्रण अभ्यास करने सहित कई बातों पर चर्चा हुई। वहीं अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती संघ द्वारा धूमधाम से मनाए जाने की बात तय हुई। मौके पर प्रशांत झा, सुरेंद्र कुमार मिश्र, नंदलाल तिवारी, मोहन लाल शर्मा, हिमांशु रंजन झा, पंडित सुभाष पांडे, भोला लाल शर्मा, अर्जुन शर्मा, प्रसन्न आचार्य, पवन कुमार आचार्य, शैलेश कुमार झा एवं कौशल किशोर ठाकुर उपस्थित हुए। नवगछिया, कृषि कानून पर भाकपा माले ने किया आम सभा। नवगछिया के रंगरा प्रखंड स्थित संत विनोबा हाई स्कूल मैदान तिनटेंगा दियारा में भाकपा माले के बैनर तले आम सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड महेंद्र मंडल और संचालन भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य अंगरा प्रभारी कॉमरेड पुरुषोत्तम दास ने संयुक्त रूप से किया। आम सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसान कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बना देंगे। हमें आज तक MSP नहीं मिला। भाकपा नेताओं ने कहा कि तीसरा कानून जमाखोरी को वैध बनाने का कानून 1955 में बने कानून आवश्यक वस्तु संरक्षण अधिनियम में संशोधित कर इस कानून को पूरी तरह से जमाखोरी के लायक बनाया गया है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, अंगिका साहित्य विकास समिति की कार्यकारिणी की विशेष बैठक लिए गए कई निर्णय। अंगिका साहित्य विकास समिति की कार्यकारिणी की विशेष बैठक डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास की अध्यक्षता में रविवार को समिति कार्यालय में हुई, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि अंगिका दिवस समारोह का आयोजन अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति के कार्यालय परिसर में किया जाएगा। समारोह में 10 कवि कवियत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं अंगिका चल पत्रिका का प्रकाशन अंगिका दिवस समारोह विशेषांक के रूप में किया जाएगा। वहीं बैठक में डॉक्टर रमेश आत्मविश्वास, डॉक्टर ब्रह्मदेव ब्रह्मा, कवि श्रवण बिहारी, अनिल कुमार बेकार, राजेंद्र प्रसाद रवि, भोला कुमार बागवानी, रत्नेश शर्मा, मनोज कुमार अलालपुर, डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा, हरि प्रमोद सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया जिला परिषद ने किया 200 मास्क व 64 कंबल का वितरण। नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार ने रविवार को खगड़ा पंचायत के गंगा पार्क, गुणरचक दियारा व जगतपुर पंचायत के कनकी टोला में गरीब निसहाय व दिव्यांगों के बीच 200 मास्क एवं 64 कंबल का वितरण किया है। इस दौरान नंदनी सरकार ने बताया कि गरीबों की सेवा करना ही हमारा धर्म व सच्ची समाज सेवा है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें,
मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। बिहार जदयू के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर छाई खुशी की लहर। जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर मीडिया सेल के रूपक पटेल, गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरजू, गोपाल मंडल संगठन जिला नौगछिया के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, बुलंदजी चौधरी, त्रिपुरारी भारती, प्रिंस पटेल ने बधाई दी है। नवगछिया अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 15 जनवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। नवगछिया के रंगरा स्थित अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी 2019-20 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जनवरी घोषित कर दी गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मुक्तिनाथ सिंह ने अपने पत्रांक 265 में अर्जुन कॉलेज सहित बिहार के 4 फार्मेसी कॉलेज को पंजीयन प्रक्रिया 15 जनवरी 2020 तक पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया है। डी फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम अर्हता ISC में 50% अंक है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसके लिए प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं CLC की छाया प्रति आवश्यक रूप से विभाग में जमा किया जाना है। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। क्या आपके बच्चे की उम्र 2 से 12 तक के बीच का है? क्या आपका बच्चा है ड्रामेबाज, करता है ड्रामेबाजी? क्या आपका बच्चा भी अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर करता है नाटक? क्या आपके बच्चे में भी है स्टेज पर कुछ भी कलाकारी दिखाने का जज्बा? तो आपके बच्चे के अभिनय को हम देंगे मौका दिखाने को प्रतियोगिता के द्वारा। तो बनाइए वीडियो और भेजिए 9709894194 व्हाट्सएप पर। वीडियो भेजने का तिथि 15 जनवरी से 30 जनवरी तक है। रजिस्ट्रेशन एवं पूरी जानकारी के लिए संपर्क करें 8409181920 पर। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
मलेशिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट कुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोबी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।